नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। जब भी आपका सब्जी खाने का मन ना हो तो आप 10 मिनट में इस टमाटर की चटनी को बना के सर्व कर सकते हैं। तो आइए इस चटनी को बनाना हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें अच्छे लाल पके हुए टमाटर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पके हुए टमाटर लिए हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर को पका लेंगे। अब हम सबसे पहले टमाटर को पकाएंगे। तो टमाटर को हम गांठ वाले साइड से पकाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है। तो सबसे पहले हमें इस तरफ से इसे पकाना है। गैस का आंच हम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। इसे हम तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। जब तक कि हमारे टमाटर पक के तैयार हो रहे हैं, तब तक हम इसके लिए इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे जो हमारी चटनी को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। धनिया को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है, क्योंकि धनिया में मिट्टी होता है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं धोएंगे तो चटनी में मिट्टी की किनकिनाहट रहेगी। अब हम धनिया को रफली काट लेंगे। अगर हम धनिया को बिना काटे पीसेंगे तो चटनी में इसके रेशे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे इस प्रकार से थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे जिसमें हमें इसे पीसना है। 2 हरी मिर्ची डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीखा मिर्ची लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची तीखी नहीं है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से मिर्ची कम या ज्यादा कर सकते हैं। 4-5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक साथ इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस हमें इसका पेस्ट इतना ही पतला चाहिए। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और टमाटर को चेक कर लेंगे। टमाटर हमारे एक तरफ से पक गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे और पलट के इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। टमाटर हमारे पक गए हैं। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम टमाटर को छील लेंगे। ये आसानी से छिल जाता है और इसका जो छिलका है वो हम हटा देंगे। अब हम इसे एक चम्मच की सहायता से या हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से मैश कर लेंगे। आप इसे चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये अच्छे से मैश हो जाएगा, इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ धनिया हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। बचे हुए पेस्ट को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप बना के एक बार फ्रिज में रख लीजिए, और जब भी आपका चटनी खाने का मन हो तो बस टमाटर को पकाइए और इसमें मिक्स करके खा लीजिए। 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। ये नमक आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। चटनी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे टमाटर की स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। जब भी आपको सब्जी खाने की इच्छा ना हो तो आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमें इसे सर्व करना है। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।